तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हालचाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में। अब जो स्टार्टिंग में मैंने जो क्लिप दिखाया ना, वो ओरिजिनली मेरा है, मेरा है, जी हाँ मेरा है। ना वो MRX का है, ना वो गेम एक्स प्रो का है, वो ओरिजिनली मेरा है। और बता देना यार कैसा लगा वो क्लिप। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने डाल दिया। अब आप लोगों को कैसा लगता है वो बता देना। और आजकल जिस दिन से मैंने गिव अवे वाला वीडियो डाला है कि रॉयल पास का गिव अवे होगा, भाई साहब उस दिन के बाद से आज तक मतलब मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम भरे पड़े हैं उसी मैसेज से। एक ही सेम मैसेज है, सेम मैसेज, फेसबुक पे इतने मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं, भाई साहब कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे भाई, जो भी हो भाई और उसकी बहन, जो भी हो, तुमको उसी वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है, अच्छे से वीडियो को देखा करो। मैंने बोला था नहीं समझ में आया रिपीट पे देखो वीडियो, लेकिन सवाल जवाब ज्यादा मत करना। और कुछ लोग बोल रहे तुम रिप्लाई नहीं, अरे एक सवाल का कितना रिप्लाई करेगा तुम्हारा भाई, थक जाता है यार, हाथ है उंगली। और हमारे दो दिन से मैं गेम नहीं खेल पा रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं, मेरे एरिया की पूरी लाइट चली जा रही है रात रात में, और मैं रात में ही खेलता हूं, दिन में खेलता नहीं हूं, इंतजार करता हूं रात का और रात में लाइट चली जाती है। भाई साहब बहुत गुस्सा आ रहा था, सीरियसली बोल रहा हूं। और देख लो, एक ही सवाल था, वो सवाल था रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट कल आ जाएगा, फिर से बता देता हूँ, रिजल्ट कल आ जाएगा। तो अभी भी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ उस वीडियो को, जाके पार्टिसिपेट कर लो। टाइम आपके पास कल के दोपहर 2 बजे तक का है, क्योंकि मैं 2 बजे चेक करूंगा, रिजल्ट अनाउंस करूंगा, फिर मैं 5 या 5:30 बजे, 2 बजे मैं वीडियो बनाने के लिए चला जाता हूँ। तो 2 बजे तक का आपके पास टाइम है, तो 2 बजे तक आप जितने लोग भी हो कर लो, कॉमेंट कर लो, जो भी करना है वो वीडियो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हूं। और मेरे पास कोई गेम प्ले का वीडियो नहीं था, तो आज मैं कंपैरिजन करूंगा गेम एक्स प्रो वर्सेस MRX, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी जब मैंने स्टार्टिंग में कंपैरिजन वाला वीडियो बनाया। तो बिना बकवास के शुरू करते हैं MRX वर्सेस गेम एक्स प्रो। और ये कंपैरिजन होगा सीजन 12 को लेके, क्योंकि सीजन 13 अभी हाल फिलहाल में आया है, 5 या 6 दिन हुए हैं आए हुए, तो सीजन 13 का कंपैरिजन नहीं करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे सीजन 12 को उठा के। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का यूट्यूब सब्सक्राइबर को लेके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अर्निंग होती है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली है इन लोगों को, वो है यूट्यूब। मतलब और भी जगह से पैसा आते हैं, और भी जगह से पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली है वो मिला है यूट्यूब से। तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे हम यूट्यूब का। तो गेम एक्स प्रो के सब्सक्राइबर हैं 2 मिलियन प्लस, हाँ, जिन्होंने अभी अभी फिलहाल में 2 मिलियन क्रॉस किया है गेम एक्स प्रो, तो बहुत बहुत बधाई उनको 2 मिलियन के लिए। और MRX का सब्सक्राइबर देखेंगे तो 1.23 मिलियन है, जो MRX कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, तब उन्होंने 1 मिलियन क्रॉस किया था, अभी करीबन 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए, तो 12 लाख सब्सक्राइबर है। लेकिन फिर भी देखेंगे तो गेम एक्स प्रो से 8 लाख सब्सक्राइबर पीछे है MRX। और बात करूं व्यूज की, तो देखो MRX के व्यूज आते हैं पर डे के हिसाब से तो 3 लाख 4 लाख, हार्डली 5 लाख या 6 लाख व्यूज आते हैं, मतलब 1-2 दिन के बीच में 6 लाख पर डे व्यूज आ जाते हैं। लेकिन वही बात करूं मैं गेम एक्स प्रो की, तो गेम एक्स प्रो को देखोगे तो 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख, मतलब 1 मिलियन क्रॉस, 1.5 मिलियन, 1.6 मिलियन प्लस व्यूज है इस तरीके से। तो यहां पे व्यूज का भी बहुत ज्यादा अंतर है। और वही बात करूं मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की, तो भाई साहब इंस्टाग्राम पे गेम एक्स प्रो के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 2,18,000 के करीबन में। और वही बात करूं मैं MRX की, तो भाई साहब 1 लाख से भी कम है, 78,000 फॉलोअर्स के साथ MRX है, मतलब दूसरे नंबर पे ही हो गया। तो गेम एक्स प्रो यहां पे भी उनसे आगे है। और अब भाई साहब खोलता हूँ इन दोनों की पबजी की प्रोफाइल, जिनके लिए ये लोग जाने जाते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले खोलते हैं MRX की, तो MRX सर्च कर लेते हैं, उनका ID है 577261439, जिनको नहीं पता है लिख सकते हैं, बाकी तो सबको पता ही है। और ये खुल गया MRX का प्रोफाइल, और सबसे पहले हम चेक करेंगे इनकी पॉपुलैरिटी, जो गायब है भाई साहब, मतलब सीरियसली में इन्होंने हाइड कर रखा है, क्यों कर रखा है ये मुझे नहीं पता। अब जो लोग इनके रोज़ वीडियोज़ देखते हैं उनको शायद पता हो तो हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों हाइड कर रखा है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने चेक किया था तो इनका पॉपुलैरिटी 31 लाख था, लेकिन बड़ा होगा तो 32, 33, 34, 35, चलो 36 नहीं 40 मान लेते हैं, 40 लाख प्लस हो गया होगा। लेकिन वहीं बात करूं मैं गेम एक्स प्रो की, तो गेम एक्स प्रो की 95 लाख प्लस पॉपुलैरिटी है, जी हाँ, मतलब इन दोनों में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, आधे से भी ज्यादा का पॉपुलैरिटी है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई साहब। और अब खोलता हूं मैं गेम एक्स प्रो का प्रोफाइल, तो गेम एक्स प्रो की ID है 53970032, जी हाँ, और ये खुल गया है इनका प्रोफाइल। और हम चेक करते हैं अब सबसे पहले इनकी टीयर,
और भाई साहब ये डुओ में प्लैटिनम 4 पे हैं और स्क्वाड में है प्लैटिनम 1 पे, और तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो भाई। तुम गोल्ड पे हो, तुम प्लैटिनम पे हो, तुम डायमंड पे हो। अरे कहाँ जाऊँ, अरे इनसे तो ज़्यादा ही अच्छा है ना डायमंड पे हूँ तो। लेकिन नहीं, तुमको समझ में नहीं आया, तो पैसा ये लोग छाप रहे हैं। जो टायर रैंक पुश करते हैं ना, वो लोग पैसा नहीं छाप रहे, पैसा ये लोग छाप रहे हैं। मतलब गेम प्ले बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो रैंक पुश भी करे, गेम प्ले भी बनाए, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो समझो चीज़ों को और तब बोलो किन्हीं को रैंक पुश करने के लिए। लेकिन तुम लोग बोले हो, तो देखता हूं मैं इस बार कहां तक जा सकता हूं। और वही बात करूं मैं एमआरएक्स की, तो एमआरएक्स भाई साहब डुओ में डायमंड पे है और स्क्वाड में है एस पे। और अब भाई साहब बात करेंगे हम इन दोनों की केडी रेशियो के बारे में, मोस्ट किल के बारे में, और मैच कितने विंस किए इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गेमएक्स प्रो की। तो गेमएक्स प्रो ने 354 मैचेस खेले हैं स्क्वाड में, जिसमें से 69 मैचेस उन्होंने जीता है, 69 मैच जीता है और 6 की केडी रेशियो है। और मोस्ट किल देखेंगे तो 30 है। वही बात करूं मैं डुओ की, तो डुओ में भाई साहब ने 231 मैचेस खेला है, जिसमें से 24 मैचेस इन्होंने जीता है और 7.65 मतलब 7.65 की केडी रेशियो है। और बात करूं मोस्ट किल की, तो मोस्ट किल 27 है। भाई साहब एक तो समझ में नहीं आता, इतना वीडियो बनाने जाओ तो इतना रिक्वेस्ट भेजेंगे ये लोग, इतना रिक्वेस्ट। तुम लोग को समझ में नहीं आता कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं भाई किसी के भी रिक्वेस्ट। क्यों भेजते हो इतना रिक्वेस्ट? मैं कैंसिल कर करके थक जाता हूं, मैं रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करता हूं। मैं जिस दिन खेलता हूं तुम लोगों को बता देता हूं कि हां मैं भाई साहब तुम लोगों के साथ आज खेलने वाला हूं, तो उस दिन रिक्वेस्ट भेजो, उस दिन मैं एक्सेप्ट करूं। ऐसे मैं डेली एक्सेप्ट नहीं करता हूं ब्रो, कितनी बार तुम लोगों को बोल चुका हूं मैं, इस बात को समझो। मैं कितना रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं करता हूं किसी के, यार बुरा लगता है मुझे भी, तो रिक्वेस्ट मत भेजा करो। मैं जिस दिन बोलूं कि हां मैं इस दिन खेलूंगा, उसी दिन रिक्वेस्ट तुम लोग भेजा करो। और भाई साहब वही बात करूं मैं एमआरएक्स की केडी की, तो एमआरएक्स ने खेले हैं 323 मैचेस स्क्वाड में, 323 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 51 में उन्होंने जीता है और 9.94 की केडी, तो करीबन 10 की केडी है सीरियसली में, जहां पे गेमएक्स प्रो सब्सक्राइब के मामले में आगे है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में आगे है, लेकिन केडी रेशियो के मामले में वो बहुत कम है सीरियसली में। और ज्यादा मैचेस का अंतर भी नहीं है, मतलब 20 या 25 मैचेस ज्यादा खेला है गेमएक्स प्रो, बट ज्यादा मैचेस का अंतर नहीं है, बट केडी रेशियो बहुत ज्यादा अंतर है। और मैं बात करूं मोस्ट किल की, तो एमआरएक्स उसमें भी आगे, एमआरएक्स के 35 मोस्ट किल है। वही मैं गेमएक्स प्रो की बात करूं तो गेमएक्स प्रो के 30 मोस्ट किल थे। वही बात करूं मैं डुओ की, तो डुओ में ज्यादा मैचेस खेले नहीं है एमआरएक्स, तो कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस खेले गेमएक्स प्रो और एमआरएक्स कुछ मैचेस नहीं खेले हैं, तो यहां पे कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। और भाई साहब ये एक बहुत ज्यादा हेल्दी कंपैरिजन था सीरियसली में, ऐसा नहीं था कि एक बंदा बहुत ऊपर जा रहा है तो एक बंदा बहुत नीचे आ रहा है, मतलब किसी चीज में एक बंदा ऊपर है तो दूसरे चीज में दूसरा बंदा ऊपर है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी कंपैरिजन था। और आप एमआरएक्स के फैन हो या गेमएक्स प्रो के फैन हो, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको उनकी वीडियोस में क्या चीजें बहुत अच्छी लगती है ये चीज जरूर बताना, ताकि मैं अपनी वीडियोस में भी उन चीजों का सुधार करके बहुत अच्छा अच्छा गेम प्ले आप लोगों को दिखाते रहूं। तो एक बार यदि आप लोग चैनल पे नए होगे तो एक बार मेरे चैनल जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना यार। और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप किसके फैन हो, एमआरएक्स के फैन हो या फिर गेमएक्स प्रो के फैन हो, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, सीरियसली बोलता हूं, मत्था पटक दो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे, किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। और इस वीडियो में मैं टारगेट करता हूं 50 से प्लस लाइक का किसी भी हालत में, अब कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाना चाहिए 50 से ज्यादा लाइक। और शेयर करो इस वीडियो को यार, चाहे वो एमआरएक्स के फैन हो या फिर गेमएक्स प्रो के फैन हो, हर एक फैंस तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। मैं देखता हूं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं, चलो आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं, कमेंट सेक्शन में देखता हूं कौन जीतता है, मतलब एमआरएक्स के फैंस ज्यादा है यहां पे या फिर गेमएक्स प्रो के फैंस ज्यादा, तो देखता हूं कौन ज्यादा उधम मचा सकते हैं, तो मचा दो यार उधम कमेंट सेक्शन में आकर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, मिलता हूं मैं कल गिव अवे के रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।